हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव्स। बैट विंग स्लीव्स जो होती हैं वो बैट के विंग्स की तरह अपेयरेंस होता है उनका, और ऊपर से काफ़ी लूज होती हैं और आगे से टाइट होती हैं। किमोनो स्लीव्स जो होती हैं इनमें कोई आर्म होल नहीं होता और ये बॉडीज के साथ ही कट होती हैं, दैट इज किमोनो स्लीव। नेक्स्ट स्लीव इज पफ्ड स्लीव। पफ्ड में होता है कि ऊपर शोल्डर में टॉप पर पफ होता है और नीचे से टाइट होती हैं, दैट इज पफ स्लीव। शॉर्ट स्लीव्स को हम कैप स्लीव्स कहते हैं। ड्रॉप शोल्डर स्लीव्स वो होती हैं जो शोल्डर से ड्रॉप होती हैं, गिरी हुई होती हैं, तो दैट इज ड्रॉप शोल्डर स्लीव। लेयर्ड स्लीव्स होती हैं जो जैसे लेयर्स में बनी होती हैं, टू लेयर्स थ्री लेयर्स में बनी होती हैं, तो दैट इज लेयर्ड स्लीव्स। जूलियट स्लीव इज अ टाइट फुल स्लीव बट इज अ गैदर्ड एट द टॉप। इसमें जो है दो पार्ट होते हैं स्लीव्स में, और अपर पार्ट में जो है वो पूरा काफ़ी लूज होता है और चुनरी डली होती हैं, और ये जो है जूलियट, रोमियो जूलियट की फिल्म से इंस्पिरेशन होकर बनी है। लेग ऑफ मटन स्लीव जो है ऊपर से गैदर्ड होती है और नीचे से रिस्ट की तरफ से फिट होती है। रेगनल स्लीव्स जो हैं जॉइंट होती हैं बॉडीज से डायगनली, और फ्रंट और बैक पर दोनों सेम जॉइंट होती हैं। डॉलमेन स्लीव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बॉडीज जो वो बॉडीज से अटैच होता है और इसकी स्लीव्स रिस्ट से टाइट होती है। बिशॉप स्लीव्स का अपर पार्ट फिटेड होता है एंड प्लेयर्ड लोअर पार्ट, और उसका प्लेयर्स में गैदर्ड बने होते हैं रिस्ट के ऊपर। उसके बाद है बेल स्लीव्स। बेल स्लीव्स जो होती हैं उसमें नीचे ऊपर से टाइट होती है और नीचे से उसमें बेल की शेप होती है, तो दैट इज बेल स्लीव्स। बटरफ्लाई स्लीव्स जो हैं ऊपर से गैदर्ड होते हैं और नीचे से लूज होती हैं।